हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। आज हम बनाएंगे रोटी पराठा। इज इट अ बिग क्वेश्चन फॉर यू कि रोटी किसे परफेक्टली बनाना आता है? तो इस वीडियो में हम सिखाएंगे बहुत ही सिंपल वे में किस तरह हम रोटी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो के संग जुड़े रहिए। रोटी बनाते वक्त डो को हमेशा सॉफ्ट रखिए, तभी हमारा रोटी परफेक्टली बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट करें। सबसे पहले एक बड़े बाउल में आटा लीजिए, सॉल्ट लीजिए एज पर टेस्ट और पानी डालिए। धीरे धीरे पानी डालिएगा, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो हमारा डो ख़राब हो जाएगा, इससे रोटी हमारा परफेक्ट नहीं बनेगा। छोटे छोटे क्वांटिटी में लीजिए और आटा अच्छे से मिलाइए। जब आप आटा मिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थंब फिंगर का यूज़ करें, इससे हमारा डो बहुत सॉफ्ट बनेगा। आटा अगर हल्का गीला है, आपके हाथों में थोड़े थोड़े लग रहे हैं, तो अब फिंगर्स ऐसे डॉट डॉट करके पानी थोड़ा सा डालकर इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट दें, इससे डो बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट बन चुका है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे के बर्तन में जो भी एक्स्ट्रा आटा लगा हुआ है उसमें हम सूखा आटा लगाकर उसे घिस के निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालकर आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ऑयल डालने का एक रीज़न ये होता है कि आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, आटे का डो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमें अब चाहिए एक तख्ता, बेलन, सूखा आटा। तो रोटी बनाना शुरू करते हैं। डो से अब छोटा सा पोर्शन लेकर उसे पेड़े के शेप में लेंगे और आगे पीछे सूखा आटा लगाकर इसे बेलना शुरू करेंगे। एज अ क्लॉक वाइज आपका रोटी घूमना चाहिए। अगर आपका रोटी घूमता नहीं है क्लॉकवाइज बेलते वक्त, तो आप 3 बार सूखा आटा स्प्रिंकल कर सकते हैं आपके डो में। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ वैसे ही फॉलो करिए, आपका रोटी एकदम परफेक्ट बनेगा। अब रोटी को तवा में डाल दीजिए। देखिए बबल्स उठ रहे हैं, मतलब आपका नीचे वाला साइड अच्छे से सिक चुका है। इसे पलट देंगे, अब देखेंगे उसके नीचे वाला हिस्सा रेड रेड स्पॉट आ गया, मतलब वो अच्छे से सिक चुका है। अब आप ऐसे कुछ कॉटन कपड़ा लेंगे और रोटी के साइड साइड में दबा दबा कर उसे सेकेंगे और एंड पे बीच पे सेकेंगे, तो इससे रोटी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चपाती बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म सर्व करें। हर एक रोटी बनने के बाद तवा को अच्छी तरह से पोंछ लें ताकि एक्स्ट्रा आटा निकल जाए। अब बनाएंगे ट्रायंगुलर पराठा। इसे भी बनाना बहुत ही आसान है, ट्राई ज़रूर करें। सबसे पहले हमें सर्कल चपाती तक बनाना है। अब हम इसमें ऑयल स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, हाफ फोल्ड करेंगे, अब उसका हाफ फिर फोल्ड करेंगे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। अब हम वैसे ही जैसे पहले बनाए थे ड्राई आटा लगाकर बस इसे रोल करेंगे। जब भी रोटी बनाएंगे फ्लेम को हमेशा लो पे रखेंगे, वन साइड सिकने के बाद फ्लेम हमेशा हाई पे रखेंगे। देखिए अब रोटी हम तवा में डाल दिए, बबल सूट गया, वन साइड सिक गया, हम पलट दिए। अब ऊपर में हम स्प्रेड करेंगे ऑयल या बटर या घी, आप जो चाहें। उल्थानी के मदद से या हाथ के मदद से आप नीचे का साइड देख सकते हैं, वैसे ही रेड स्पॉट आ गया है, तो आप पलट देंगे, फ्लेम ऑन रखेंगे और अच्छी तरह से साइड साइड में सेकेंगे। अब सेकंड साइड भी आपको ऑयल लगाना है। याद रखिए पराठा को बार बार पलटे नहीं, इससे पराठा हमारा बहुत हार्ड हो जाएगा। अब हम बनाएंगे स्क्वायर पराठा, ये भी बहुत आसानी से बनता है। सबसे पहले हम सर्कुलर चपाती बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। अब हम रोटी के ऊपर में अच्छे से ऑयल स्प्रेड करेंगे जैसे हमने ट्रायंगुलर पराठा पे किया था। अब 1/4 साइड फोल्ड करेंगे जैसे मैंने किया, बिल्कुल वैसे ही करिएगा। अब ऊपर से हम फोल्ड करेंगे फिर नीचे से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आटा का डो बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ चुका है। अब हम इसे रोल करेंगे कुछ सूखे आटे के मदद से। कोशिश करिएगा कि स्क्वायर शेप में ही आप रोल करें। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसे हमने ट्रायंगुलर पराठा बनाने के लिए किया था।
Fermento.com. फ्रेंड्स, अगर मेरा ऑयल स्प्रेडर आप लोगों को पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो आपको अलग से वीडियो बनाकर सिखा सकती हूँ। Now it's done. ये तैयार है बिल्कुल। आप लोग देख सकते हो हम लोग कितनी आसानी से रोटी पराठा बना लिया है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।